अगर आपको भी ऐसे सॉफ्ट नान चाहिए तो मेरी वीडियो लास्ट तक देखें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं ऐसी और नई नई रेसिपीज देखने के लिए। आज हम आलू वाले नान बनाएंगे, चलिए शुरू करते हैं। हमने एक बड़ा कप मैदा लेना है, हाफ टी स्पून हमने बेकिंग पाउडर लेना है, हाफ टी स्पून हमने बेकिंग सोडा लेना है, 1 टीस्पून हमने चीनी लेनी है पिसी हुई, हाफ टी स्पून हमने नमक लेना है, 2 टेबलस्पून हमने ऑयल लेना है। अच्छे से मिक्स कर लाया हमें। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम गूंथेंगे इसे। हमें एकदम सॉफ्ट डो तैयार करना है इसका। और पानी डालेंगे ऐसे में से बूंदे में। थोड़ा सा तो मैं पानी लगाएंगे। अभी थोड़ा सा हम इसमें से तेल लेंगे, 1 चम्मच हाथों में लगाएंगे और इसके ऊपर लगा देंगे। ऐसे ऐसे गूंदेंगे, अच्छे से गूंदना ऐसे। थोड़ा सा और तेल लगाएंगे। अब इसे हम सूखे कपड़े से ढक देंगे, ऐसे घंटा इसे रेस्ट करने देंगे, फिर बाद में हम आपको दिखाते हैं। अब हम हमारा आटा चेक करेंगे। आटा देखिए कितना लचीला है।
हाथों में हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना रहे हैं। करने लेंगे फिर हम आपको बाद में दिखाते हैं। अभी हम जो मटेरियल है आलू का वो तैयार करेंगे। हम हमारे आलू को मैश कर लेंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। अब हम इसमें अजवाइन डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। 1/2 टीस्पून हम गरम मसाला डालेंगे। 1/2 टीस्पून हम रेड चिली डालेंगे। 1/2 टीस्पून हम किचन किंग मसाला डालेंगे। 1/2 टीस्पून हम कसूरी मेथी डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। बनाना शुरू करेंगे। थोड़ा सा मटेरियल लेंगे हम। इसे बंद कर देंगे। थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे। इसे बेलना शुरू करेंगे। इसे लंबा सा बेलेंगे। इसमें अच्छे से पानी लगाएंगे। अभी आपको तवे पे डाल के दिखाते हैं। ऐसे हमने डाल देना है इसे ऊपर। ऐसे ऊपर से ऐसे सेकना है।
अच्छे से ऐसे सेकना है, कहीं से कच्ची ना रह जाए। अब हमारी रोटी सेक चुकी है, इसमें बटर लगाएंगे। अभी से तवे से निकालेंगे। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट बने हमारे नान। नीचे से भी अच्छे से पक चुके हैं, अभी से हम निकालेंगे। रेडी हैं, हम इसे कोफ्ते की सब्जी के साथ खाएंगे। आप जिसके साथ मर्जी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी बने हैं हमारे नान। ये देखिए सॉफ्ट नान बने हैं, सॉफ्ट एकदम सॉफ्ट। ये देखिए बहुत सॉफ्ट नान बनेगा।